सौ साल पहले जंग आज़ादी के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और अंबेडकर साहब, ये सारे के सारे, सरदार पटेल, इन लोगों ने शुरू किया था जंग आज़ादी का। और उस वक्त सबसे अहम जो रोल था हिंदुस्तान में पब्लिक को उसके बारे में बोलने का, वो सिर्फ उर्दू सहाफ़त का था। सबसे पहले अंग्रेज़ी अखबार उसके बाद आया करते थे, सब लोग उर्दू के अखबार पढ़ा करते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक अखबार का नाम था आज़ादी, उसके जो मौलाना इफ्तिखार अली हसन उसके एडिटर थे, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर अखबार था दिल्ली का वो, उसके एडिटोरियल लोग पढ़ा करते थे। और उनके अखबारों का जो था लोग, उसके बड़े बड़े सुर, बड़े बड़े पोस्टर लगाया करते थे उस ज़माने में। और उस ज़माने में दो कमेंटेटर्स थे जो बीबीसी लंदन से खबरें दिया करते थे, तो उस वक्त उर्दू सहाफ़त नंबर वन पे था। और कम, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत कम लोग थे जो अमरीकी अंग्रेज़ी अखबार के बारे में जानते थे, और अगर अंग्रेज़ी अखबार होता था तो बड़े बड़े लोग जो थे वो अंग्रेज़ी अखबार पढ़ा करते थे, बाकी सब लोग उर्दू के अखबार पढ़ा करते थे। तो सबसे बड़ा रोल जो रहा है आज़ादी के वक्त वो उर्दू सहाफ़त का रहा है, कि लोग उर्दू के अखबार रोज़ पढ़ते हैं। और एक अखबार है जिसका नाम है आज की दुनिया, और वो बहुत पॉपुलर है, दिल्ली में मकबूल है, वो भी लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसमें इंटरनेशनल ख़बरें भी आती हैं। कुछ अखबार हैं जो, एक अखबार है जो उर्दू का ही अखबार है हमारे यहाँ, आज़ाद टाइम, वो भी आज पुरानी दिल्ली में चलाओ तो लोग वो पढ़ा करते हैं। एक मैगज़ीन हुआ करती थी शमा, और बड़ी पॉपुलर थी, हालांकि उस शमा के अंदर फिल्मी बातें ज़्यादा होती थी, लेकिन उसके अंदर खबरें भी हुआ करती थी। नवभारत टाइम्स का एक और अखबार था, वो था नई दुनिया के नाम से भी अखबार था। तो बहुत से अखबार थे, कॉलम छपा करता था आज की दुनिया में, जिसमें उनका नाम था मुसाफिर साहब, तो वो ऐसा वो था जिसमें वो हंसी मजाक की भी बातें होती थी, और कई दफ़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो उनकी स्पीचेस होती थी वो भी हुआ करता था। एक इफ्तिखार अली साहब थे, उनका छपा करता था, तो उनके लोग उनको पढ़ा करते थे। सबसे बड़ी बात जो है, मैं उर्दू से जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ, कि एक हिंदुस्तान में एक शहर था जिसका नाम था दिल्ली, मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ, और वहाँ पर सब उर्दू बोला करते थे। वहाँ पर बड़े मशहूर लोग रहा करते थे, और जालीगढ़ यूनिवर्सिटी जिन्होंने बनाई थी, उनका घर भी पुरानी दिल्ली में था। एक और साहब थे, वो भी बड़े मशहूर जर्नलिस्ट थे उर्दू के, उनका घर भी वहीं पे था, आसफ अली साहब। तो वो हम लोग उनको सुना करते थे, और मुझे आज भी याद है आसिफ साहब, आसफ अली साहब का नाम ऐसे था जो आज करके जो बड़े बड़े टेलीविज़न पे लोग बैठते हैं ना, वैसा नाम था उनका। मौजूदा दौर में तो कहते हैं कि जो उर्दू सहाफ़त है वो जान है हमारे ख़बरों की। मैं मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म को हिंदुस्तानी सहाफ़त की 200 साल तकरीबात पर अपनी दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ।